मैं अब्दुल सलाम औरंगाबाद से बोल रहा हूँ। शेख, मेरा सवाल ये था कि कुछ लोग अपने दो बेटों की शादी करते हैं, जैसा कि पहले एक बेटी की शादी आज कर लिए, दूसरे की कल कर लिए, और वलीमा तीसरे दिन दोनों बेटों का एक साथ करते हैं, तो क्या ये जायज है या दोनों बेटों का अलग अलग वलीमा करना पड़ेगा? जैसा कि आज पहले की शादी हुई तो कल उसका वलीमा, कल दूसरे की शादी हुई तो परसों उसका वलीमा, तो जरा वजाहत कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे एक भाई अब्दुल सलाम साहब औरंगाबाद से सवाल कर रहे हैं। इनका पूछना ये है कि अगर कोई अपने दो बेटों की शादी कर रहा है, आगे पीछे कर रहा है, तो दोनों का वलीमा अलग अलग करेगा या एक ही दिन दोनों का वलीमा कर सकता है? ये इनके सवाल का खुलासा है। तो देखिए, सही बात तो यही है, वलीमे के सिलसिले में जो असल तरीका वो ये कि जब आदमी शादी करेगा और बीवी से, बीवी की रुख्सती होगी, उसके पास बीवी आएगी, उसके साथ रात गुजारेगा, उसके साथ खलवत में होगा, तो अगली सुबह वो वलीमा करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से, आप सल्लम के अमल से यही तरीका साबित है। शेख इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह, शेख अल्बानी रहमतुल्लाह, हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह, इन सब लोगों ने यही बात कही है कि यही वलीमे में सुन्नत है, इस पे अमल करना चाहिए। तो अगर ये दोनों अलग अलग वलीमा करें, अगर शादी आगे पीछे हो रही तो अलग अलग करें, तभी कोई मसला नहीं। लेकिन अगर वो एक ही दिन दोनों वलीमा करना चाहते हैं, तब भी कोई मसला नहीं, कर सकते हैं। अगर कोई उज्र है, कोई मसला है, खर्चे का इंतज़ाम नहीं हो रहा है, एक ही बाप के दोनों बेटे हैं और दोनों मिलकर मिल बांट के वलीमा करना चाहते हैं एक साथ, तो कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। लिहाजा अगर एक ही फैमिली है और एक ही बाप की औलाद है, वो आगे पीछे करना चाहते हैं, तो लास्ट में जिसकी शादी हो रही है उसी के साथ पहले का भी वलीमा हो जाएगा, इसमें कोई दुश्वारी नहीं, ऐसा कर सकते हैं, जायज़ है। लेकिन अगर आप अलग अलग करना चाहें तो भी कोई मसला नहीं है। उम्मीद है कि बात आपके लिए वाज़ेह। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें, iPlus TV को जरूर डोनेट करें।